गड़ाहट में इस्तकबाल करें, नारे टुटो। और तेलंगाना से आपकी आवाज अर्शे आजम पर जाके टकराए, नारे टुटो। देखिए ये अनवार मामा है जो आज के नौजवानों को जरूरत है कि वे इन लोगों को देख करके सीखें। जरा सा इधर से सामने सुनो, पीछे हट जाए, थोड़ी सी और जगह बना ले। सुपर जिंदा है, शाम अभी जिंदा है। सुपर जिंदा है, शाम अभी जिंदा है। दिल ये कहता है इमाम अभी जिंदा है। दिल ये कहता है इमाम अभी जिंदा है। एक को मिट जाने से मिट नहीं सकता। कह दो अमेरिका वालों से कि अभी इस्लाम जिंदा है। भैया बोल तो दिए। देखिए बहुत शानदारी के साथ किस तरीके से मैदान में तलवार उस वक्त नेजे भाले चलाया जा रहा था, बिल्कुल उसी को निगाहों के सामने रख करके इस प्रोग्राम का, इस अखाड़े का इनकार किया जाता है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि इस खूबसूरत प्रोग्राम में ये महरूपुर का बच्चा, जो बहुत होनहार बच्चा है, जिसके अंदर बहुत कला है, और इस बच्चे को आप इसका प्रदर्शन आप देखते रहें। और मुझे लगता है कि कुछ हिंदू भाई भी यहाँ पर लकड़ियाँ भाजा करते थे, मैंने बचपन में देखा है। अगर वो बुजुर्ग लोग, अल्लाह अकबर, वो बुजुर्ग लोग यहाँ पर तशरीफ रखते हों तो मैं उनसे इल्तमास कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ लाएंगे। अभी आप जितने उस्ताद हजरात हैं आप उनसे देख रहे हैं। देखिए बहुत खूबसूरत मंजर, एक शेर आप समाप्त कर लें कि शायर कहता है कि शहर कातिल में जीने का हुनर रखते हैं, शहर कातिल में जीने का हुनर रखते हैं, हम भी मोमिन है सीने में जिगर रखते हैं। और वो कायर है जो मैदान से भाग जाते हैं, वो कायर है जो मैदान से भाग जाते हैं, हम हुसैनी है नेज़े पे सर रखते हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। और एक शायर शर्मा यादव जी, अभय नारायण प्रधान जी, मेरी आवाज उनके कानों से टकरा रही है, और मास्टर गिरजा साहब, ये बुजुर्ग लोग हैं, और आप यूं समझ लें ये बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि ये लोग अभी हमारे दरमियान अपनी भरपूर जिंदगी के साथ मौजूद हैं। और जनाब इकराम खान साहब, आप सभी लोगों से इल्तमास करता हूं कि आप लोग तशरीफ लाएं। और मक्खू मामा, माझिल मामा, तमामी लोगों से गुजारिश है कि वो इस ग्राउंड में तशरीफ लाएं और अपने खेल का मुजाहिरा करें। जनाब मंजूर खान साहब, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंचती है तो वो तशरीफ लाएं। और अंजुमन झन्ने खान साहब, आप भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ग्राउंड के पास आने की तशरीफ लाएं, जहमत करें। और अंजुमन मिल्लत इस्लामिया के तमाम नौजवान काबिले मुबारकबाद हैं, जो बड़ी हुस्न खूबी के साथ बेहतरीन तरीके से, जो तरीका हमारा बुजुर्गों का असनाद रहा है, उस तरीके पर जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, जलूसे हुसैनी, जलूसे हुसैनी, नारे तकबीर। एक शेर आप सुने, शायर कहता है
कि सिपहे सालार के हाथों से खंजर कांप जाता है। सुने मकबूल भाई, सिपहे सालार के हाथों से खंजर कांप जाता है, अमा हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। और बताती है यही तारीख के बन जाते थे समंदर में रस्ते, बताती है यही तारीख के बन जाते थे समंदर में रस्ते, हमारे घोड़ों के कांपों से समंदर कांप जाता है। बहुत अच्छा, ये मेहरूपुर के बच्चे मेहरूपुर से आए हुए हैं जो अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत खूब। झंडे मामा मंजूर अहमद खान साहब और गिरजा मास्टर जी, ये तमामी कर मुअज्जज़ बुजुर्ग लोगों से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। देखिए मक्खू मामा जो बुजुर्ग शख्सियत है और तबर्रुक की तरह हमारे दरमियान ये लोग मौजूद हैं, इनका सिर्फ आज आपकी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। जो ऐसे परेशानियों में, ऐसे दिक्कतों में हम लोगों के दरमियान आकर हमारे नौजवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी खुशनसीबी है कि अभी तक इनको हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगारे आलम इन सबों को लंबी उम्र अता फरमाए। देखिए माशाल्लाह, ये बुजुर्गों का असलाम, बुजुर्गों का तरीका हमेशा से रहा है कि यहाँ पर जिसको हम अपना सरदार मानते हैं उनके सरों पर पगड़ी बांधकर हम खुद को। देखिए मुख्तार अंसारी साहब जो बहुत शानदार अपने वक्त के आप उस्ताद भी हैं और हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं, आप अपने माथे की निगाहों से इनके खेल का मुजाहिरा करेंगे। मंजूर मामा कहाँ हैं, तशरीफ लाएं। फैजुल मामू वो भी आवाज सुन रहे हो तो यहाँ पर तशरीफ लाएं। माशाल्लाह बहुत बहुत खूब, क्या बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। घुटने का ऑपरेशन होने के बावजूद आप मैदान में बहुत सुपर करके आप खड़े हैं और अपने हाथों में बाना और गदा ले करके। देखिए ये सब लोग दुआ ले रहे हैं और इनकी दुआ ही हम लोगों के लिए काफी है। बहुत खूब, आइए माजी भाई, तमीम मामू चलिए, इकराम खान साहब, खान साहब लोग पीछे रहते हैं, आगे निकलिए, बढ़िया मैदान में चलिए। माशाल्लाह, देखिए शहाबुद्दीन मामा, ये सब लोग अपने दौर के बहुत शानदार प्लेयर हैं जो एक वक्त में इन लोगों का सिक्का चला है। जब ये किसी मैदान में उतरते थे तो अपने कला का लोहा मनवाने वाले जो लोग हैं वो अभी फिलहाल मैदान में हैं। और मैं कहता हूँ कि जिन लोगों के पास मोबाइल, वो मोबाइल में इन लोगों को कैद करके रखें ताकि हमारे आने वाली नस्ल उठ सके। ये लोग ताजियादार भी हैं, अपने दौर के अपने गुल मोहम्मद उस्ताद के बेहतरीन शागिर्द भी हैं जो अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ दुआ दे रहे हैं ताकि ये कायम रहे। देखिए अभय नारायण पर तशरीफ ला चुके हैं, देखिए पठान टोली के ताजियादार, नए ताजियादार
कोई ताजियादार पुराना नया ताजियादार होता है। और जनाब इकराम खान साहब को दुआओं से नवाजा जा रहा है, इनको साफा बांधकर इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारियों को बहुसन खूबी निभाने के लिए, इनके हौसला अफजाई के लिए बस बस बहुत खूब बैठिए। मंजूर मामा तशरीफ लाइए। झंडे मामा जी आओ आओ। अरमान चलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम, शहीद आजम, नारे हैदरी। माशाल्लाह ये देखिए बहुत खूबसूरत माहौल। आप जिंदगी के साथ खड़े हैं और जिस प्रोग्राम के हवाले से इमाम हुसैन की बारगाह में आप खड़े हैं, वो इमाम जिसने अपने तमाम खानदान को लुटाकर तमाम जानिसाराने इस्लाम को इस्लाम के नाम पर कुर्बान करके आज जो कुछ है ये उन्हीं का सदका है जो हम देख रहे हैं। अगर वो इस्लाम के नाम पर करबला की धरती पर अगर वो कुर्बानी न पेश करते तो आज ये मंजर देखने को न मिलता। ये उनका एहसान है हम तमामी लोगों के ऊपर। एक तारीख मैंने पढ़ा है कि उस तारीख में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो जब यजीद से बदला लेना हुआ तो हिंदुस्तान से हिंदू भाई भी करबला की जमीन पर गए थे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और इसी बात को माथुर लखनवी ने लिखा था कि मदीने से जो होके हवा आती है, मदीने से जो होके हवा आती है वही हम सबको बूए शफा लाती है। ये कैसे मोमिन है जो आका को बशर कहते हैं, ये कैसे मोमिन है जो आका को बशर कहते हैं। अम्मा हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। तो आप ये जान लें कि ये सिर्फ त्योहार हमारा नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, हर शख्स का ये प्रोग्राम है, हर शख्स का ये त्योहार है जो हम लोग मिल करके आज बहुसन खूबी के साथ इस प्रोग्राम को अपनी मंजिल तक पहुंचाने में लगे हैं। देखिए और जब आप तारीख का मुशाहिदा करेंगे तो पता चलेगा कि राजस्थान के अंदर अभी भी ब्राह्मण हुसैनी मौजूद हैं जो अपना ताजिया भी निकालते हैं, नौहों मातम भी करते हैं और हुसैनी होने का सबूत पेश करते हैं। प्रधान जी तशरीफ ला रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो इस ग्राउंड के पास तशरीफ लाने की जहमत करें। प्रधान जी शर्मा जी तशरीफ ला चुके हैं, आइए तशरीफ लाइए। और देखिए प्रधान गांव का एक प्रथम निवासी होता है, प्रथम व्यक्ति है जो इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाकर अपने नौजवानों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ग्राउंड में चलें और अपने बुजुर्गों से आप दुआ ले लें, आशीर्वाद उनसे आप ले लें ताकि आने वाले कल में हमारे नौजवानों को ये मालूम रहे कि हमारे इस गांव की सरपरस्ती कौन कर रहा था, हमारे कौम का सरपरस्त कौन रहा है। और जनाब पूर्व प्रधान जी अभय नारायण जी से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी तशरीफ ले चलें, कम से कम आप खड़े हो जाएं। आप हम सब के सरपरस्त रहे हैं और आपके दौर में आज भी कल भी और आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से गमे हुसैन शहादत हुसैन मनाया जाएगा। देखिए
हमारे पूर्व प्रधान जी जनाब अभिन रायन जी भी ग्राउंड में। देखिए ये सब लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, अपने अपने बुजुर्गों के असनाफ को दोहराते हुए अंजुमन मिल्लत इस्लामिया के तमाम बुजुर्ग हजरात अपने मेहमानों का इस्तकबाल खैर मकदम कर रहे हैं। और ये देखने में एक कपड़े का टुकड़ा है, मगर याद रखिएगा जब ये किसी समाज में खड़कर इस चीज को दिया जाता है तो ये बहुत माने रखता है। और आज का ये प्रोग्राम बिल्कुल अपने वक्त के साथ इस ग्राउंड में हाजिर हुआ। फिर इंशाल्लाह यहाँ से उठने के बाद जो आगे का प्रोग्राम है, मिलने का प्रोग्राम, मुझे यकीन है इस बात पर कहने पर मुझे फख्र है कि हम बहुसनों को भी बेहतरीन अंदाज में मिलनी भी अब थोड़ी देर में देखेंगे। माशाल्लाह झन्ने मामा अगर दिख रहे हो तो गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ लाए। बहुत अच्छा भाई, बहुत खूब। मास्टर दुनिया मास्टर साहब, अगर मेरी आवाज आपके पर्दे समाज से टकरा रही है तो आप तशरीफ लाएं, और आपका आना हम लोगों के लिए बाइस फख्र है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि आली जनाब दुर्जा मास्टर जी, जो कल के दौर में गौसपुर का कोई ऐसा नौजवान नहीं जिन्होंने अपने मुबारक हाथ को आपने उनके सरों पर न रखा हो, ये आपकी बड़ी कुर्बानी रही है गौसपुर के ऊपर। गौसपुर का एहसान, गौसपुर के ऊपर आपका एहसान रहा है। हमारे दौर के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि गिरजा मास्टर साहब बेहतरीन कव्वाली भी पढ़ते थे, नौहा भी करते थे, और आप शेर व शायरी भी करते थे। बड़ी अकीदत थी इमाम हुसैन से आप, जो यकीनन आपने इस अकीदत का इजहार यहाँ पर आके आपने किया है। हम सब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ लाए। आइए तशरीफ रखें, आप उनके चेहरे की ज़ियारत करते हैं। देखिए एक बाना है, बहुत अच्छा। अंजुमन मिल्लत इस्लामिया के तमाम नौजवान, बिलखसूस आबिद भाई, उनकी टीम और तमाम बच्चे, चाहे इस मोहल्ले के चाहे उस मोहल्ले के, सारे बच्चे काबिले मुबारकबाद हैं जो इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, और ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने, और इस्लाम के रगों में जो चुभता था बार बार काटा दे के जिद निकाला हुसैन। दी जा रही है तो ये बताता चलूं कि ये दस्तार कोई आम दस्तार नहीं है। तो बहुत कपड़े तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, लेकिन उस कपड़े की जो अहमियत होती है, जब वही कपड़ा किसी के सर पे बांधा जाता है तो वो कपड़ा कपड़ा नहीं रहता, उसका नाम दस्तार रख दिया जाता है। और ये दस्तार उम्मत के अंदर, कौम के अंदर एक बहुत अहमियत रखने वाली चीज है, और ये बड़े नसीब वालों को नसीब हुआ करती है। अभी आप अपने माथे की नजरों से देख रहे हैं, बहुत खूब। ये देखिए शेर बूढ़ा हो चुका है लेकिन अपना यही होती है शेरों की पहचान। जनाब गिरजा मास्टर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो चंद शेर अगर हम सब के दरमियान सुना दें तो उनकी मेहरबानी होगी, और यकीनन आपके जबान से निकला हुआ एक हर्फ भी हमारे दिल को छूने की काम करेगा। मैं जनाब
गिरजा मास्टर साहब इतमाश कर रहा हूँ कि आपके जहन में अगर कोई इमाम अली मकाम के हवाले से, इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से कोई शेर है, देखिए झन्ने मामा तशरीफ ला चुके हैं। ये भी हमारे नौजवानों की सरपरस्ती करते रहते हैं, हर मोड़ पर हर जगह जहाँ जहाँ भी तलाश करेंगे तो झन्ने मामा नजर आते हैं। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं अंजुमन मिल्लत इस्लामिया के बच्चों पर, और ये कहने पर फख्र हो रहा है कि इस तारीखी गांव में आप प्रधान भी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के तमाम जनता के लोग काबिले मुबारकबाद हैं, जिन लोगों ने आपको, आपके बाप को और तमाम आने वालों को प्रधान बनाते रहते हैं। प्रधान बन जाना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधान का मतलब कि आपको कौम का लीडर बनाया जाता है, आप कौम की सरपरस्ती फरमाते हैं। देखिए तमाम तर जितने भी दस्तार में बैठे हुए यहाँ पर हमारे मुअज्जिज़ीन तशरीफ रखते हैं, ये तमामी लोग हम नौजवानों के सरपरस्त हैं। अब मैं जनाब गिरजा मास्टर साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि आप चंद शायर हमारे दरमियान सुनाने की ज़हमत फरमाएं। जुम कर नकिया में खुद थी की पानी का कमी रहती है, पानी का बारिश की जरूरत। देखने वालों मुझे हंस हंस के न देख, देखने वालों मुझे हंस हंस के न देख, शायद खुदा भी तुझको नुकसान बना दे। अब सुना दो हसनो हुसैन करबल में कर तब जाकर दिखा हुसैन ने, करबल में कर तब जाकर दिखा हुसैन ने, करबल में कर तब जाकर दिखाया हुसैन ने, इस्लाम को खतरे से बचाया हुसैन ने। माँ साथ माँ के दामन पर लगने न दिया दाग, माँ फातिमा के दामन पर लगने ने दिया दाग, हजरत अली की शान बढ़ाया हुसैन ने, हजरत अली की शान बढ़ाया हुसैन ने। नाना मोहम्मद साहब की अजमत की पाव में, नाना मोहम्मद साहब की अजमत की पाव में, दिलदारियत का तगमा, दिलदारियत का तगमा। और तुम गया सवाली बन के मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता, सवाली बन के मुझसे हाथ फैलाया, हर दागे तमन्ना को कलेजे से लगाता हूँ, घर आई हूँ दौलत को लौटाया नहीं जाता। उन्हें इनाम दिया गया है, आगे सुनिए। नाना मोहम्मद साहब की अजमत की बाग में, दिलदारी अच्छी का तगमा लगाया हुसैन ने, बुजनीन की मस्कनी महबूद का चिराग, बुजनीन की मस्कनी महबूद का चिराग, क्या चीज है नमाज, क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, क्या
आंखों की है नमाज बताया हुसैन ने लेकर।